कहीं नहीं खाया। इवन चांदनी चौक का पराठा बहुत फेमस है ऐसे बोलते हैं, मुझे लगता है नहीं गलत है, राम बाबू बापू के पराठे बहुत टेस्टी है, ट्राई कीजिए। रियली एंजॉयड, मेरी फर्स्ट राइड थी बट आई वाज अ बिट नर्वस, बट मेरे को आके अच्छा लगा और खाना भी बहुत अच्छा था, मीठा पराठा वाज माय फेवरेट। और मैं बता दूं पराठे एक नंबर है। और कहाँ कहाँ आप गए थे ये पराठे? मतलब अपने अभिषेक बच्चन की शादी में था, अपना अरुण जेटली के प्रोग्राम में था, और सोनम कपूर की शादी में था, और बाकी अपनी जितने भी फाइव स्टार होटल्स वगैरह हैं सबकी केटरिंग वगैरह में रहता है अपना। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। एक बार जरूर आएँ, ये पराठे जरूर खाएँ राम बाबू के। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है, संडे की ब्रेकफास्ट राइड है जिस पे हम जा रहे हैं आपको लेके। और मैं बहुत समय बाद जो मेरा आरी का ग्रुप था, सबसे पहला ग्रुप मेरा आरी का था रॉयल एनफील्ड का, उनके साथ मैं अभी राइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास है सुपर मिटियोर 650 जिसको हम आज राइड करने वाले हैं। और आज जा रहे हैं गुड़गावा, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और अपने आरी ग्रुप के साथ चलेंगे। जो विक्रांत डाका यहाँ पे हमारा फ्रेंड है लांबा इंटरप्राइज पे, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि भाई चलना है। मैं कहा चलो यार, संडे को बहुत टाइम हो गया राइड करे हुए, चलो एक राइड कर लेते हैं। तो चलते हैं आपको लेके गुड़गावा। तो ये सब बाइक्स खड़ी हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लांबा रॉयल एनफील्ड पे, और ये देखिए पीछे हमारे साथ बाइकें हैं, लगभग 5-7 बाइक हो चुकी हैं, जिसमें 3 मिटियोर सुपर मिटियोर 650, 2 GT हैं, स्क्रैम है और हिमालयन है, और इसके अलावा क्लासिक है। ये सारी बाइक्स हैं, और इसके अलावा भी कोई और आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी हमारे जो यादव सर, प्रदीप यादव सर हमारे साथ चल रहे हैं, और फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ राइड कर रहा हूं। वैसे तो ऑफिशियली सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इनको जानता नहीं था, तो मुझे ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं था। उसके बाद तो काफ़ी मेरे अच्छे गुड फ्रेंड हैं, तो मैं मिलवा देता हूँ आपको। तो ये हमारी है सुपर मीटियोर 650। तो ये हमारे प्रदीप यादव जी इनके साथ राइड कर रहे हैं। नहीं, हम इनके साथ राइड बहुत जब मुझे पता चला कि प्रदीप यादव जी जा रहे हैं, तो मैं कहा भाई जरूर जाऊंगा मैं। जब मुझे पता लगा प्रदीप लांबा जी जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे छोड़ना नहीं है इस राइड को। और कहाँ जा रहे हैं हम? सर हम जा रहे हैं राम बाबू के पराठे खाने मानेसर। क्या स्पेशलिटी है इनकी? स्पेशलिटी सर ये है कि एक तो पराठे में लगभग 100-150 ग्राम देसी घी यूज़ हुआ है हर पराठे में। अच्छा। और 40 किलो के तवे पे बनते हैं, और आप खाएंगे आप कहेंगे कि हाँ कुछ चीज़ खिलाइए, आज मन को कुछ अच्छा लगा खा के। खाना एक सेकेंडरी है सभी के लिए, ये एक मीटअप बहुत ज़रूरी था एंड अ राइड फॉर अ कॉमन कॉज, लेकिन अगर इसके साथ खाना बहुत अच्छा मिल जाए तो दैट वुड बी अ चेरी ऑन द केक। पराठे की राइड्स आपने बहुत की होंगी, बहुत ज़्यादा की होंगी ब्रदर, हर ब्रेकफास्ट राइड में हम पराठे से एंड अप हो जाते हैं, पर जिस तरह के पराठे आपको मैं खिलाने ले जा रहा हूँ आज, आपने कभी नहीं खाए होंगे किसी भी आउटलेट में, ठीक है। पराठा जो बना रहा है ही इज़ अ डीकेड ओल्ड जनरेशन, शायद पराठों के इन्वेंटर है, एंड दे हैव ऑलरेडी सर्व लक्ष्मी निवास मित्तल एंड इन द वेडिंग्स ऑफ अंबानीज एंड मैनी बॉलीवुड एक्टर्स। आउटलेट छोटा है बट हम 10-15 बहुत ही कोजी फ्रेम पे बैठ पाएंगे। प्रॉमिस कि आपको फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला। सो व्हाट डू यू वेयर? ओ यार, ओवरटेक मत करना किसी को, 70-80 पे चलेंगे, अच्छी राइड है हमारी। तो मैं सबसे लास्ट में रहूंगा। गाइस वी आर रेडी टू राइड, सारी बाइक्स रेडी हैं और हम भी रेडी हैं, और ये ग्लव्स पहन लेते हैं, बस चलते हैं फिर। तो
टोटल हमारे साथ आज जा रही हैं 11 बाइक्स, टोटल 11 बाइक्स जा रही हैं, जिसमें से आई थिंक 4 सुपर मीटियोर है और 2 हिमालयन, स्क्रैम, जीटी, ये सारी बाइक हैं, एक क्लासिक बाइक है। तो रूट ये है कि हम तिलनगर से होते हुए अपना धौला कुआँ जाएंगे, धौला कुआँ से NH-8 पकड़ के सीधा अपना गुड़गावा। तो मोर देन आई थिंक 45 किलोमीटर की आज की राइड होएगी वन साइड की। तो रॉयल एनफील्ड के साथ मैं काफ़ी समय बाद, लगभग लगा लो आप 2017 में लास्ट राइड की थी रॉयल एनफील्ड के साथ, उसके बाद मैं अब कर रहा हूँ छः साल बाद। भाई ने तो साइलेंसर ही नहीं लगाया, या ऐसे ही साइलेंसर है। बड़ा पटाखा आवाज़ आ रही है इसकी। तो गाइस हमने ये धौला कुआँ को क्रॉस कर लिया है और अब जा रहे हैं अपना NH-8 की तरफ, और ये सीधा रास्ता जाता है अपना एयरपोर्ट को भी, और एयरपोर्ट अपना द्वारका वगैरह अगर जाना है तो ये सीधा रास्ता जाता है। तो ये हमारा सामने ग्रुप जा रहा है, तो अभी तो बहुत ही स्मूथ राइड चल रही है और सुपर मीटियोर भी बहुत ही स्मूथ चल रही है, बहुत ही स्मूथ बाइक है, इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है, इसको गियर चेंज करने में छोटे गियर में भी और बड़े गियर में भी बड़ी आराम से चल लेती है। तो भाई ने अपने जो एग्जॉस्ट है उसको चेंज कर रखा है, आई थिंक डुग डुग वाले एग्जॉस्ट लगा रखे हैं अपना सुपर मीटियोर 650 में। काफ़ी लाउड आवाज़ आ रही है इसकी, और एक GT वाले भाई ने तो एग्जॉस्ट ही निकाल रखे हैं। बहुत ही आवाज़ कर रही है, बहुत ही लाउड आवाज़ है उसकी। अपना अपना शौक है भाई सभी का, वरना इसका जो साउंड है सुपर मीटियोर 650 का काफ़ी अच्छा साउंड है। तो DLF सिटी गुड़गावा, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और हरियाणा में एंटर कर गए हैं दिल्ली से, और ये सामने हमारा पूरा ग्रुप। बहुत ही स्मूथ राइड है अभी भी। तो गाइस हम मानेसर टोल को क्रॉस कर रहे हैं और गुड़गांव को भी क्रॉस कर लिया, धौला कुआँ को भी, अब पहुंच गए हैं मानेसर। और अब एक MACD का बोर्ड आएगा तो उससे हमने अपना सर्विस लेन पे लेना पड़ेगा, आगे एक MACD का साइन बोर्ड आएगा बहुत बड़ा सा। तो ये NH-8 है जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, उस पर हम जा रहे हैं अभी। जयपुर यहाँ से 222, मानेसर 5। ये है राव होटल, और उसके बाद सामने आपको MACD का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ओहो, यहाँ से मोड़ना है हम भाई पर, सर्विस लाइन पे ले लिया हमने। ठेका शराब, हरियाणा में इतने ज़्यादा ठेके हैं ना पूछो मत। तो हम आ गए हैं राम बाबू के पराठे। तो गए 8:15 हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं राम बाबू के पराठे की शॉप पे। ये पीछे है और ये हमारी सारी बाइक्स हैं, ये देखिए टोटल 11 बाइक्स हैं। तो अंदर चलते हैं राम बाबू जी के पराठे, ये देखिए ये है इनका रेस्टोरेंट। और तवा दिखा दें सर, तवा आ जाओ, आइए आइए। तो आपको तवा दिखाते हैं 40 किलो का, ये वो तवा है। अच्छा 40 किलो, इसको गर्म होने में 1 घंटा लगेगा पहले तो। अच्छा एक बार गर्म हो जाएगा तो फिर वो हो गया फाइन ट्यून, और इसमें ही बस देखिए शेप काफी डीप है। अच्छा ये आटा डाल के और 100 ग्राम घी डाल के छोड़ देंगे, पक्का रहेगा पराठा, देसी घी में बनेगा सबको। वाह 40 किलो का तवा पहली बार देखा मैंने।
तो गाइस ये हमारा पराठा आ चुका है खाली पूरी। इसमें एक सिंगल पराठा है, ये पेठे की सब्जी, आलू की सब्जी, दही और चटनी, और ये 100 ग्राम घी के अंदर, देसी घी के अंदर बनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको तवा दिखाया था, 40 किलो का तवे के अंदर बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। तो अभी इसको खा के फिर मैं इसका टेस्ट बताऊँगा। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है कम्प्लीट, और रिव्यू बता दूँ यहाँ का जो राम बाबू के पराठे हैं वो बहुत ही मस्त पराठे हैं, पूरे स्टफ्ड पराठे हैं और कुरकुरे पराठे हैं। साथ में आपको जो सब्जी मिलती है आलू की सब्जी वो भी टेस्टी है, साथ में अपना पेठे की सब्जी वो भी बहुत ही शानदार है, दही साथ में मिलेगी और एक चटनी, मतलब कि कुल मिला के पैकेज बहुत ही शानदार है। चाय भी बहुत बढ़िया है और आज की राइड पूरी वसूल हो चुकी है। तो कुछ दोस्तों से हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं आज का राइड का। तो आपका नाम? कशिश। तो कशिश भाई हैं, इनसे बात कर लेते हैं आज की राइड का, आज के पराठों का। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था राइड का ग्रुप में, तो बहुत अमेजिंग था, ठीक है। और बाकी पराठे खाने आए हैं हम, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने पराठे खाए और बहुत अमेजिंग पराठे थे सीरियसली। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। बाकी मैं अपने फियांसे के साथ आया हूँ। क्रंची पराठा था, मैंने कहीं नहीं खाया। इवन चांदनी चौक का पराठा बहुत फेमस है ऐसे बोलते हैं, मुझे लगता है नहीं गलत है, राम बाबू बापू के पराठे बहुत टेस्टी है, ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आपसे बहुत बढ़िया लगा मिलके, मिलेंगे विकासपुरी में ही आप तो, तो लोगों से भी बात कर लेते हैं। यू आर गुड नेम? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप है और मैं रॉयल इनफील्ड के ग्रुप में राइट में आया हूँ, और बहुत मुझे अच्छा लगा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आज का ब्रेकफास्ट राम बाबू के पराठे। कैसे पराठे? तो ऑसम थे, मज़ा आ गया, डिफरेंट थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और स्पेशली मीठा पराठा बहुत अच्छा, मीठा मावा वाला। रियली एंजॉयड, मेरी फर्स्ट राइड थी बट आई वॉज अ बिट नर्वस, बट मेरे को आके अच्छा लगा और खाना भी बहुत अच्छा था, मीठा पराठा वॉज माई फेवरेट। दिशी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी मिल, आप सबसे मिल के। थैंक यू। तो हमारे भाई हैं, आप नाम? मोहित। मोहित भाई हैं और आज की राइड और पराठे का रिव्यू करेंगे छोटा सा। राइड्स और पराठे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेनियनशिप। अच्छे लोगों से मिलना, हाँ सही, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना। राइड का मेन मोटिव होता है एक दूसरे से मिलना, अपना रिलेशन बढ़ाना। तो सबसे ज़्यादा हमारी जितनी भी राइडिंग होती है, नए नए लोग, नए नए दोस्त मिलते रहते हैं, पराठा और राइड तो ये बहाना है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Yes, तो गाइस हम हैं अभी राम बाबू पराठे के शॉप पे, ये है ओनर, उनके नाम बताइए अपना। सर अक्षय खंडेलवाल। अक्षय खंडेलवाल जी, बताइए अपनी दुकान के बारे में। जो सर एक्चुअली अपना क्या 92 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है आगरा में, और अपने जो टोटल आउटलेट्स हैं वो 5 आगरा में है, एक वृंदावन में है, एक जयपुर में है और एक इधर गुड़गांव मानेसर में। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं पराठे एक नंबर हैं। और कहाँ कहाँ आप गए थे ये पराठे? मतलब अपने अभिषेक बच्चन की शादी में था, अपना अरुण जेटली के प्रोग्राम में था, और सोनम कपूर की शादी में था, और बाकी अपनी जितने भी 5 स्टार्स होटल्स वगैरह हैं सबकी केटरिंग वगैरह में रहता है अपना। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। एक बार जरूर आएँ, ये पराठे जरूर खाएँ राम बाबू के। तो यहाँ पर हमारी राइड होती है कम्प्लीट, और सभी लोग रेडी हैं अपने वापसी घरों के लिए, और हम भी रेडी हैं। लेकिन मेरा रूट अब थोड़ा अलग हो जाएगा, ड्यू टू मैं KNPL से जाऊंगा, मैंने जाना है नरेला साइड, तो वो शॉर्ट रूट दिखा रहा है गूगल भाई, और बीच से जाएंगे तो काफ़ी जाम मिलने के चांसेस है। तो गाइस आपको आज की राइड कैसी लगी? और सुपर मीटियोर के साथ मेरी पहली राइड थी, तो मुझे तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा। एक इसमें बस इसका सस्पेंशन की मैं मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही है, मेरे को दिक्कत लग रही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ऑल गुड। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग्स का सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम, जय हिंद।